we have with us senior drama director and Bollywood actor Lokesh Mohan Chatterjee. Sir, स्वागत है आपका. Thank you. सर, आज जो हिंदी फिल्म सस्पेंस का ऑडिशन आपने यहाँ रखवाया हिसार में, किस तरह का रिस्पांस रहा और आगे क्या प्लानिंग से आपकी? बहुत अच्छा रिस्पांस है. जिन लोगों को मैसेज मिला वो लोग यहाँ पहुँचे, और क्योंकि कोशिश ये थी कि जो आए वो कुछ करके जाएं. कुछ लोग नए भी थे जिन्होंने कोशिश की है, अच्छी कोशिश रही है उनकी, और उनको अपनी कमियों का एहसास भी हुआ है कि हमने ये कमी अभी है तो उसके लिए हमें थिएटर से या दूसरी चीज़ों से हमें जुड़ना है, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो और जिससे स्पीच अच्छी हो, जिससे इमोशन एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें उन्हें मिले. और बहुत सारे लोग यहाँ आते भी हैं और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं आने की. तो आज उन्हें लगा है कि यहाँ ना आके गलती की है, और कहीं ना कहीं रंगमंच से जुड़ना ज़रूरी है अगर इस तरह से आपको फिल्म में जाना है, एक्टिंग सीखनी है या एक्टिंग के बारे में कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज या स्पीच वर्क या बॉडी लैंग्वेज, इस तरह की चीज़ें अगर आपको जाननी है तो रंगमंच से जुड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आप आगे आने वाली फिल्मों में आप अपना कुछ हाथ आजमा सकें. तो आपको लगता है कि थिएटर में 2-4 साल आदमी को लगाने चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल फिल्म एक्टर बन पाए? हाँ बिल्कुल, मैं ये चाहूँगा 5 से 6 नाटक हर किसी को यहाँ एक्ट करने चाहिए किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ, और उसके बाद ही उसे फिल्म लाइन के बारे में सोचना चाहिए. क्योंकि एक्टिंग बहुत वाइड है, थिएटर बहुत वाइड है, फिल्म मीडिया बहुत वाइड है, और इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है. सालों लगा देते हैं लोग, 10-10, 15-15 साल. फिल्म में ऐसी बहुत सारी हस्तियाँ हैं जिन्होंने 10-10 साल वहाँ स्ट्रगल किया और आज वो किसी मुकाम पर पहुँचे और उनको अच्छा काम अब मिलना शुरू हुआ है. ये ज़रूरी है कि अगर आप पहले से ही तैयार होकर जाते हैं, आपको अगर आपका स्पीच वर्क अच्छा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आपके एक्सप्रेशंस इमोशंस आपको पता है क्या है, कहाँ कितने आने चाहिए, थिएटर के इमोशंस एक्सप्रेशंस कितने वाइड हैं और फिल्म के लिए कितना हल्का सा इमोशन भी कैमरा कैच करके आपको पब्लिक को बता देता है कि ये एक्सप्रेशन ये चीज़ है. तो ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं. मैं चाहता हूँ कि यहाँ से छोटा छोटा बच्चा भी इस चीज़ को जाने, उसके बाद जो बड़े हैं जो यंग एज में हैं या जो प्रौढ़ अवस्था में पहुंच गए हैं वो लोग भी इस चीज़ को जानें. मैं तो चाहता हूं कि हिसार के मैक्सिमम लोग जो हैं फिल्म इंडस्ट्री में जाएं और फिल्म इंडस्ट्री में पता लगे कि हाँ, हिसार का नाम ऐसा पूरे वर्ल्ड के अंदर एक इस तरह से लिया जाए कि हिसार कोई ऐसी सिटी है जहाँ से मैक्सिमम आर्टिस्ट जो हैं फिल्म लाइन में. तो आपको लगता है कि जितना थिएटर को या एक्टिंग अभिनय है उससे जुड़ी हुई विधाएँ उनको सीखने से फिल्म का जो प्रोडक्शंस हैं, फिल्म प्रोडक्शंस हैं इन स्मॉलर सिटीज़, जैसा कि ये प्रेजेंटली एक अनुभव आज के ऑडिशन में मिल रहा है, तो अगर लोग एक्टिंग से जुड़ेंगे, उसको सीखेंगे, उसको तकनीकी रूप से समझेंगे, तो मुझे लगता है कि जो छोटी सिटीज़ में भी एक उसका चलन, उसका प्रचलन या उसकी प्रोडक्शंस बढ़ सकते हैं. ये तो बनी हुई बात है कि अगर आप इस लाइन पर चलना शुरू हो गए तो चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, आप उस लाइन पर चलते चले जाएंगे. और बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाते हैं तो उसका बेसिक नॉलेज आप लेके जाएं. अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो फिर उसके बाद आप धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ सकते हैं. और बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर करें और आप इतना कुछ करके जाएं कि सामने वाला आपको एक बार भी गर्दन हिला के ना कर सके और आपके लिए कोई ना कोई करेक्टर फिट बैठा हो और वो आदमी आपको जाते ही कहे कि हाँ आप इधर आ जाइए. तो आपको लगता है कि जो बच्चे आपके यहाँ पर रंग प्रयास नाट्य मंच में अभ्यास मंदिर में आ रहे हैं जिंदल हॉस्पिटल के सामने हिसार में, तो उनमें कुछ पर्सनालिटी के अंदर भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि पर्सनालिटी में ही नहीं, उनकी बातचीत का तरीका, उनका जो बिहेवियर है, क्योंकि मैं सबसे पहले बिहेवियर पर ज़्यादा जोर देता हूँ. क्यों, मेरा मानना है कि कोई भी एक अच्छा इंसान, एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा आर्टिस्ट, एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा डायरेक्टर,
एक अच्छा पेंटर या एक अच्छा किसी भी तरह का आर्टिस्ट म्यूजिशियन बन सकता है। अगर वो अच्छा इंसान नहीं है तो वो अच्छा आर्टिस्ट नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। इसलिए पहली कोशिश मेरी ये रहती है कि जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, चाहे वो बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, या प्रौढ़ावस्था के आते हैं या बुजुर्ग आते हैं, उन सबको मैं पहले यही चीज़ कहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने अंदर ऐसे गुण पैदा कीजिए कि आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपका सर्कल आपको अच्छा मानने लगे, आपको अच्छा कहने लगे कि आप बहुत अच्छे हैं। जब आपको एहसास होगा कि आप अच्छे हैं, तभी आप किसी फील्ड में एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट विद योर एफर्ट्स। और मेरा देश चैनल हमेशा आपके प्रयासों के साथ में जुड़ा हुआ है, और हमें आशा है कि जो आज टीम बाहर से आई है ऑडिशन लेने के लिए, जिसमें प्रोड्यूसर डायरेक्टर आए हैं, कास्टिंग डायरेक्टर आए हैं, फिल्म के जो लीड एक्टर्स हैं वो भी आए हैं, तो उनके प्रयास और आपके प्रयास रंग लाएंगे, जो कि आपकी संस्था का भी नाम है रंग प्रयास। इसी आशा के साथ आपका धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं पहले सबसे पहले इन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, स्माइल का, उनके साथ आए हुए डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स जो हैं, क्योंकि नाम से मैं अभी परिचित नहीं हो पाया, क्योंकि आते ही हमने काम शुरू कर दिया, तो परिचय हमारा बाद में होगा, लेकिन सब लोग हैं अपने से बिल्कुल, और मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने यहाँ आके हिसार के लोगों को इस तरह का मौका दिया। जो लोग सेलेक्ट होंगे वो तो होंगे ही, जो नहीं सेलेक्ट होंगे उनके लिए भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि वो ऑडिशन यहाँ देख के गए हैं, नेक्स्ट ऑडिशन में उससे बेटर करेंगे, उससे नेक्स्ट में उससे बेटर करेंगे, एक ना एक दिन वो अपनी छाप कहीं ना कहीं छोड़ेंगे और फिल्म इंडस्ट्री से लोग उन्हें उठा कर ले जाएंगे। और यही मेरा मकसद है कि इस साल के मैक्सिमम लोग जो है बड़े पर्दे पे या छोटे पर्दे पे दिखाई दें। थैंक यू सर, धन्यवाद।